नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री पहुंचे भागलपुर। सीए के सवाल पर विपक्ष पर बोला हमला, कहा उपद्रवियों पर होगी कड़ी कार्यवाही। समारोह पूर्वक मनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। भागलपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को जागरूकता फैलाने की कही बात। फिल्म अभिनेता चंकी पांडे पहुंचे भागलपुर, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में की शिरकत। और क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों में उमड़ी लोगों की भीड़, मैरी क्रिसमस से गूंजता रहा शहर। अब समाचार विस्तार से। नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी को लेकर सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने भागलपुर कला केंद्र अंचल कार्यालय और जाम की समस्या पर पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि सीए को लेकर विपक्ष के नेता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप थोड़ी इतिहास पीछे का इतिहास देखेंगे तो फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित या प्रताड़ना झेल रहे लोग जो आज भारत में आए हैं और जिनको नागरिकता दिलाने के लिए उस समय मनमोहन सिंह जी ने 2003 में इस मांग को उस पार्लियामेंट हाउस में उठाया जाना, लेकिन जब आज हम उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, नागरिकता देना चाहते हैं, नागरिकता दे रहे हैं, तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भागलपुर में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने अटल जी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। तिलकामांझी वृंदावन हॉल में अटल जयंती पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, अरिजीत शाश्वत चौबे, डॉक्टर प्रीति शेखर, अश्विनी जोशी मोंटी, रोशन सिंह समेत कई लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वमान्य और सर्वप्रिय नेता थे। वहीं भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि अपने कार्यकाल में अटल जी ने समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों के लिए समाज की मुख्य धारा में लाने की कई योजनाएं बनाई। जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि अटल जी के अटल इरादे और योगदान को देश की जनता हमेशा याद करती रहेगी। भागलपुर तिलकामांझी स्थित वृंदावन हॉल में बुधवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित संगोष्ठी का विषय था नागरिकता संशोधन कानून 2019। संगोष्ठी में सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री रामनारायण मंडल समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री रामनारायण मंडल ने पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और राष्ट्रहित में कार्य करने की बात कही। वहीं मंच पर जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अरिजीत शाश्वत चौबे, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, पूर्व जिलाध्यक्ष नभय कुमार चौधरी, अभय वर्मन, बीजेपी के बंटी यादव, दीपक सिंह और पवन मिश्रा मौजूद दिखे। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश हित में है और इसे आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं अभय वर्मन, विजय कुशवाहा और दीपक सिंह ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया और विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध की निंदा की। भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि धारा 370 को हटाना, 3 तलाक बिल का पास करना और राम जन्मभूमि पर फैसला मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के नेताओं ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वह एनआरसी और सीएए को लेकर देश की जनता को भ्रमित कर रही है। वहीं मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि सीएए से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में शोषित शरणार्थियों को राहत मिलेगी। जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। वहीं बंटी यादव ने कहा कि सीएए और एनआरसी पर विपक्ष के कुछ नेता देश के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नापाक मंसूबे को देश की जनता कामयाब नहीं होने देगी। मौके पर मीडिया प्रभारी रोशन सिंह, अश्विनी जोशी मोंटी, सरस्वती कुमार, मुकेश सिंह, प्रोफेसर किरण सिंह, कन्हई मंडल, गुड्डू शुक्ला समेत कई लोग मौजूद थे।
तीन देशों के जो शरणार्थी यहाँ भारत में आए हुए हैं उनको जो नागरिकता देने का कानून है, और जो विपक्षी दल के लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, यह कानून नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। और वोट बैंक की राजनीति के तहत गलत लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से वोट बैंक की राजनीति से बचना चाहिए। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, और इस देश के किसी भी नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी दल, राजनीतिक दल का हो, सबों के लिए देश हित सर्वप्रथम होना चाहिए। भागलपुर के दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन में चीफ गेस्ट के रूप में फिल्म जगत के मशहूर कॉमेडियन व अभिनेता चंकी पांडे ने शिरकत की। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का शुभारंभ चीफ गेस्ट चंकी पांडे ने फीता काटकर किया। साथ ही बच्चों द्वारा लगाए गए साइंस एवं आर्ट एवं क्राफ्ट एग्जीबिशन को घूम घूम कर देखा और बेहतरीन एग्जीबिशन की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान चंकी पांडे ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों का प्रोत्साहन करें, चाहे वह आर्ट की दिशा में हो, एजुकेशन की दिशा में हो या फिर स्पोर्ट्स की दिशा में। वहीं दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर संजय पासवान ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल में प्रत्येक वर्ष साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है और बच्चों के साथ सोसाइटी को भी साइंस के प्रति जागरूक किया जाता है। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर कई शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल को देखकर और जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाया, भाई मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, ये तो बॉम्बे से भी बड़ा है भाई। जोरदार ताली। आओ ऊपर, आइए ऊपर। इसका भी भला जो दाते, इसका भी भला जो दे, इसका भी भला जो दाते, इसका भी भला। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर। बट सुनो भाई, मजा आ गया आप सबसे मिलकर। अब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मेरा फ्लाइट है, बट आप लोग जरूर आके मुझे मुंबई में मिलना और बहुत जल्दी मुझे भागलपुर फिर से बुलाना। शुक्रिया। सारे पीछे खड़े हो जाइए, आएंगे लेडी टीचर। क्रिसमस के अवसर पर बुधवार को भागलपुर के घंटाघर सेंट कैथेड्रल चर्च, कचहरी चौक स्थित सेंट बेनेडिक्ट चर्च, साहिबगंज कैथोलिक चर्च सहित कई गिरजाघरों में प्रभु यीशु के भक्तों की भीड़ जुटी रही। मंगलवार की देर रात प्रभु यीशु के जन्म के समय चर्च में घंटा बजाकर यीशु के जन्म की सूचना दी गई और उसके बाद से ईसाई समुदाय के लोगों ने आपस में एक दूसरे से गले मिलकर मेरी क्रिसमस बोलकर बधाई दी। इस दौरान प्रार्थना एवं क्रिसमस कैरोल गाया गया और संता बनकर सभी को क्रिसमस की बधाई दी गई, साथ ही चॉकलेट एवं केक बांटे। क्रिसमस को लेकर चर्च को खूबसूरत तरीके से सजाया गया और प्रभु यीशु की जन्मस्थली क्रिसमस ट्री, मां मरियम एवं नवजात शिशु की झांकी सजाई गई। बुधवार को सुबह से ही सभी गिरजाघरों में हर समुदाय के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और सभी ने प्रभु यीशु का दर्शन कर मोमबत्तियां जलाई। इस दौरान युवाओं के साथ बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। घंटाघर एवं कचहरी के पास स्थित चर्च में दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि क्रिसमस को बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है। भागलपुर के होटल, रेस्टोरेंट एवं कई स्थानों पर बड़ा दिन को लेकर उत्साह देखा गया। वहीं भागलपुर के कहलगांव, पीरपैंती, नवगछिया, सुल्तानगंज सहित कई प्रखंडों में क्रिसमस का त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाया गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन।
कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटे अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनआरसी और सीएए को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पीरपैंती इकाई की ओर से समर्थन मार्च निकाला गया। प्रगति मैदान से निकाला गया समर्थन मार्च पूरे नगर का भ्रमण करते हुए वापस प्रगति मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए सीएए को राष्ट्रहित में बतलाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मार्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि भूषण ने बताया कि कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग सीएए को लेकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर प्रशांत कुमार, शमशेर सिंह, सत्यम राज, बिमल निरंजन शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज प्रगति मैदान से यह विशाल जुलूस निकालकर पूरे पीरपैंती नगर में भ्रमण किया गया। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर नवयुवकों का क्या यहाँ पर उबाल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस सीए का पूर्ण जोर समर्थन करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे यशस्वी अपने प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दास मोदी का इस फैसले का स्वागत करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग भी करती है कि जल्द से जल्द अपने देश में एनआरसी को लागू किया जाए। बांका अमरपुर के मखदुम्मा पुल के समीप बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से जख्मी को इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान महगामा निवासी मोहम्मद निहाल के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक निहाल मखदुम्मा बाजार स्थित कैलू वेल्डिंग दुकान में मजदूरी करता था। प्रतिदिन की तरह वह मंगलवार की देर शाम साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सांस्कृतिक संस्था आलय की ओर से लाजपत पार्क में कला केंद्र के मुद्दे पर बुधवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के सांस्कृतिक समूह में हो रही आपसी विवाद पर चर्चा की गई। चर्चा में आलय के रंग कर्मियों ने एक स्वर में सभी सांस्कृतिक समूह से अपील की कि वे कला के राजनीतिकरण से बचें तथा सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करने की अपील की। संस्था के सदस्यों ने कहा कि कला केंद्र शहर के रंग गतिविधियों का केंद्र रहा है, जिसका किसी भी प्रकार से गलत इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। बैठक में अपूर्व गौरव, आलोक विक्रम राज, सुमित नाहर, डॉक्टर चैतन्य सहित कई सदस्य मौजूद थे। अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा बुधवार को पंचायत भवन बढ़ई मोदी नगर भागलपुर में भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की तस्वीर पर बढ़ई महासभा के सदस्यों ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा के साथ स्मरण किया। इस दौरान संस्था के बजरंग बिहारी ने बताया कि ज्ञानी जैल सिंह बेहद धार्मिक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। 25 दिसंबर 1994 में तख्त श्री केशवगढ़ साहिब जाते वक्त उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनका निधन हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारा दायित्व है कि हम उन्हें याद करें और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करें। इस मौके पर बढ़ई समाज के सोनू शर्मा, विकास शर्मा, चिकू शर्मा, बजरंग बिहारी, सुधीर शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। सामाजिक संस्था आसरा की ओर से बुधवार को प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान संता के वेश में आसरा के सदस्यों ने शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर भीषण ठंड को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक डोकानिया ने बतलाया कि इवेंट में केक,
टॉफी, कंबल एवं गर्म कपड़े का वितरण किया गया है। मौके पर अभिषेक डोकानिया, मंटू सिंह, संदीप शर्मा, अंशुमान शर्मा, ऋषभ, अभिषेक सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के जन्मदिन पर युवा शक्ति की ओर से अमरपुर में गरीबों के बीच मिठाई वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। युवा शक्ति के नगर अध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर मिठाई बांटी गई, साथ ही पप्पू यादव की लंबी उम्र की कामना की गई। मौके पर नीरज यादव, सत्यम मिश्र, रोशन यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री पहुंचे भागलपुर, सीएए के सवाल पर विपक्ष पर बोला हमला, कहा उपद्रवियों पर होगी कड़ी कार्यवाही। समारोह पूर्वक मनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। भागलपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को जागरूकता फैलाने की कही बात। फिल्म अभिनेता चंकी पांडे पहुंचे भागलपुर, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में की शिरकत। और क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों में उमड़ी लोगों की भीड़, मैरी क्रिसमस से गूंजता रहा शहर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।